बोल। हाँ जी जगत भाई साहब, ये जो धर्मपाल की दो छोरियों के बारे में बात कर रहे थे ना आप, क्या हुआ? उनमें से किसी एक को कार में बैठकर जाते हुए देखा मैंने। ये औकात बढ़ गई है छोरियों की। ना वो सब छोड़ दू, जान से सुन भगवानदास, अकेली है तो हल्के बना लेना इस छोरी को। अरे छोरियां किसी को भी पटकी दे देती हैं। अरे दिमाग इनका कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तू अपनी जगह डटा रहे, जरा सी भी ढील मत छोड़ियो, ना तो सिलेंडर की तरह तू भी सड़क पे लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। ओ ना जी भाई साहब, मैं लोकेशन पे ही खड़ा हूँ। ठीक है। तुम्हारा किसी ने पॉच का बटन दबा दिया है कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो? अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम संकट में फंस गए हो, लेकिन यही तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना। कभी मैं तुम्हारे काम आऊंगी, कभी तुम मेरे काम आओगे। अच्छा चलो बताओ, कैसे हैंडल करे तुम्हारे मम्मी पापा को? हो गया हैंडल। क्या हो गया हैंडल? क्या बोला तुमने? मैंने बोला मैं रोमांटिक, आई मीन तुम्हें अच्छी सी जगह पे डिनर के लिए ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ अकेले। और उन्होंने क्या कहा? क्या बोलेंगे, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट सजेस्ट कर दिए और क्या। बड़े कूल है यार तुम्हारे मम्मी डैडी, क्या बात है। ना कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा हो तो बताओ ना, मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मम्मी पापा तो छोड़ो, डियर सिस्टर तक साथ ना दे रही, अभी भी आते हुए अड़ंगी लगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसको पता है कि इस इंसान से मिलने को मैं मरे जा रही हूँ। ये जो बंदा है ये ठीक तो है ना? तुम ट्रस्ट तो करती हो ना इस पे? कोई उल्टी सीधी हरकत होने का तो चांस नहीं है ना? लगता है डॉक्टर साहब को पता ना है कि मैं हुड्डा से मिलने जा रही हूँ। तो ठीक है फिर, जब छोटा आंटी खुद ही ऑफर कर रहा है कि मेरी टांग खींचो तो खींचनी तो पड़ेगी ना। 100% भरोसा है मेरा इस पे, बचपन से मेरे दिल में बसा हुआ है। कई आए कई गए, पर इसकी जगह ना कोई ना ले पाया। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। माय गॉड, मेरे ख्याल से बहुत दूर आ गए हैं, आपको उतर जाना चाहिए सुशीला जी। ये ना बिना मतलब का एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत ना है छोटा हड्डी। अगर मैं तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ तो तुम्हारी हेल्प कर भी तो रही हूँ, इसलिए अपना एटीट्यूड ना अपने पास रखो और मेरा मेरे पास रहने दो। ओके ठीक है, एक घंटे में यही मिलते हैं। सुशीला को घर ड्रॉप कर देना। क्या हो क्या गया है डॉक्टर साहब को? मैं सुबह सुबह नाश्ते में अंडों के साथ साथ छिलके भी खा लिए के? कहाँ है तू? जल्दी कर, घर में सब वेट कर रहे हैं, पीछे वाली गली में मिलती हूँ। हाँ ये गोरिल्ला कौन खड़ा है यहाँ पे? इसका कुछ करना पड़ेगा। घुस गया
है कुछ इस लकड़ी का, देखो ना। अरे सॉरी भाई, हो गई नदीर। मैं कह रही हूँ दो कस्ती में पैर मत रख, मरेगी। तो दूसरी कस्ती को तो मैं खुद लात मारने वाली हूँ ना, और उस कस्ती में बैठने वाली हूँ जो सीधा मुझे ले जाएगी मुंबई। तो अपनी सोच, पापा की दुलारी। सोच लूंगी, चल। अरे बस आओ, जाओ। वेलकम वेलकम। वाय वेलकम पापा जी, ये तो अपने गुण सत्तु है। वाय ओए, आज ये हमारे गेस्ट है। आओ जाओ, आओ। जीते रहो, तरक्की करो, हनुमान जी तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। आ बेटा। तो तेरे पापा ने भी वरदान दे दिया मेरे सारे सपने पूरे करने का, अब तो कोई ना रोक सकता मुझे। तेरे सपने हमें फंसाएंगे, मैं कह रही हूँ। बेटा ये गुड़ और चीनी की रेवड़ी और गज्जक है, जो अच्छी लगे वो खा लो। क्या फोटो डाली है, शूटिंग कर रहे हैं तो इसी इसी फोटो डालेगा तो मन तो धुलेगा ही ना। आए मेरा बेटा। बेटा जी, गरिमा ने अपनी फोटो भेजी है क्या? अब वो ये चाची से क्या सर माना, तू ना मुझे अपना फ्रेंड ही समझ। जब भी कुछ भी शेयर करना हो ना, बेझिझक आके कर लिया कर। इस घर में जितने भी बड़े हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा यंग मैं ही हूँ। अरे मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग? वो ताऊ जी ने कहा है कि सबके लिए वो दालचीनी डाल के वो चाय बनाओ ना, प्लीज जाओ। तो गरिमा को जाके बोलना, सत्तू के टेस्ट का तो गरिमा को ही पता होगा। क्यों सत्तू? जब तो गुड्डू बैठा धर्मपाल जी के सामने, गरिमा चाय कैसे बना सकती है? है? अरे अब जाओ ना यार मम्मी। सुशीला दीदी, गरिमा दीदी को ताऊ जी के चंगुल से निकाल के रहना। अरे मने पता है, शादी टूटने के बाद तेरे दिल पे की बीतरी होगी। अरे कितने सपने सजाए होंगे तूने। अरे कपड़े तो ना सिलने दे दिए थे। अरे मैं क्या करता मेरे यार, मने तो हवा भी नहीं लगी कि सुशीला और डॉक्टर साहब ना। मैं क्या कह रहा था सर जी, ना सत्तू का कुछ पता चला किडनैपिंग के बारे में? मतलब कौन थे, कोई तिल, कोई मस्सा, कोई पहचान? कौन कर सकता है इतनी गिरी यार कर। मैंने पूछा था उससे तो उसने एक रख के दिया मेरे गाल पे। हाँ, वो एक्चुअली इस बारे में बात नहीं करना चाहता है ना वो। हाँ, सदमा। अरे हमें के पता था के गुजरी होगी उस पर, पर मने तो लगता है ये जगत की हरकत है। पर जब तक सत्तू के मुंह पे ताड़ा है, मैं कर भी कह सकता हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं सर जी, आपने तो जाने अनजाने में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे सर पे आपका हाथ रहे ये हमारे लिए काफी, हमें और कुछ ना चाहिए। भाई वो आपका दोस्त कब से फोन खटकाए जा रहा है, आपको निकलना है तो निकल लो, मैं गरिमा के साथ पूजा खत्म करके आता हूँ। हाँ। ना ना, आज कहीं ना जाना, भाई त्योहार का दिन है, लोहड़ी जलने के बाद ही जाना। वो पुराना दोस्त है ना भाई का, बुरा मान जाएगा। और जो हम बुरा मान जाएंगे उसका कुछ नहीं। एक काम कर, तू अपने दोस्त को यही बुला ला। अरे तुम्हारा दोस्त हमारा भी कुछ लगा ना। क्या लगा? ओ मेहमान, मेहमान लगा? नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता यार। क्यों, तू नहीं आ सकता? क्यों? मम्मी है? उसकी मम्मी उसको बाहर नहीं निकलने देती, वो पूजा का दिन है ना, तो पूजा के दिन उसको घर के बाहर कदम भी नहीं रखने देती, कर्फ्यू लगा देती है। और भाई का बहुत ही प्यारा दोस्त है वो, तो इतने फास्ट फ्रेंड के बारे में हमें अब तक कैसे ना पता? अभी तो आप हमारे लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते सर जी, अभी तक वो हार्ट टू हार्ट टॉक करने का मौका ना मिला है ना। आज मिल गया ना, आज बैठेंगे
खूब सारी बातें करेंगे। लोहड़ी के आग के चारों तरफ बैठ के तुम लोगों की सारी स्टोरी सुनेंगे। क्यों सिसु? हाँ भाई साहब, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट फील हो रही है। बैठो 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 बैठ बैठा। सोच कुछ जल्दी सोच, क्योंकि मैं तो 9:30 बजे निकल जाऊंगी। फिर तो यहाँ पे एक की बायोपिक चलेगी, गुन्नू द अनटोल्ड स्टोरी। अरे आपस में कौन सी स्टोरी चल रही है अब? यार ये गरिमा सुशीला के पापा भी ना प्रश्न ही प्रश्न भरे पड़े उनके अंदर, कौन कहाँ कब कैसे। हमारे पापा कुछ नहीं सर जी, वो मैं क्या कह रहा था कि आप सत्तू की अनटोल्ड स्टोरी सुन लो, तब तक मैं अपने दोस्त से मिलके आता हूँ। वो क्या है ना कि उसकी लोहड़ी मेरे बिना नहीं जलेगी, ऊपर से फास्टिंग भी करता है वो, लोहड़ी नहीं जलेगी तो खाना भी नहीं खाएगा। मैं बस गया और आया, वो पुराना दोस्त है ना, वेट कर रहा होगा बेचारा, और रिश्ते तो निभाने के लिए बनाते हैं। तो तू बात ऐसी करता ना मेरे यार, दिल को छू लेती है। जा और जल्दी आ जाइयो। हाँ मैं बस गया और आया। हाँ भाई सत्तू, अब सुना तेरी स्टोरी। स्कूल कल तो गया होगा, पढ़ना लिखना तो आता ही होगा। हाँ, आओ ना, मैंने बनाया। सिसु मैंने बनवाया है, वो गरिमा सुशीला ने बनाया। सुशीला ने तो बहुत ही कमाल का बनाया फिर। मैं ना न्यू सोच रही थी जीजी कि बच्चों के पालन पोषण में ना हमसे कोई कमी रह गई है। तू ऐसा क्यों कह रही है चंचल, क्या कर दिया पुत्तू ने? ना ना जीजी, पुत्तू तो मेरी देखरेख में बड़ा हुआ है, मैं तो गरिमा की बात कर रही हूँ। अब देखो गुन्नू आके चला गया, लेकिन गरिमा रानी अपने छज्जे से नीचे नहीं उतरी। अब माना सुशीला से उसका रिश्ता टूट गया है, लेकिन गरिमा का तो होने वाला जेठ है ना, है? अब देखो ना, मैं भी तो जेठ जी की दी उजरी में लगी रहती हूँ सारा दिन, लेकिन गरिमा रानी टस से मस नहीं हुई। मैं देख कर आती हूँ गरिमा को। हाँ। क्या मम्मी, पूरे दिन अब किचन में काम करती रहती हूँ, मैं आपके लिए दालचीनी डाल के चाय बना दूँ, रेजुविनेट हो जाओगे। के हो जाओगे? तरोताजा हो जाओगे। अच्छा वो तो ठीक है, पर तू इतनी देर से कमरे में करके रही थी? कबड्डी खेल रही थी। मम्मी आप भी ना, के करूंगी मैं तो, वो सुशीला से फोन पे बात कर रही थी, वो ससुराल जाने में उसे अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है, इसलिए उसे लाइफ का ज्ञान दे रही थी। तो आप कैसा फील कर रही है सुशीला, ठीक है ना वो? एक बात बता, तूने कभी सांप सीढ़ी खेली है? तो 99 पे जाके जब सांप काट लेता है बड़ा दुख होता है। फाइटर है अपनी बहन, उसका कोई के बिगाड़ सकता है। चाय हम बना लेंगे, तू जा मेहमानों को देख ले। ठीक है। सच में भगवान जी भी ना इंसानों की सब जरूरत समझता है, तभी तो इतना भला परिवार दिया है सुशीला को, कितना ध्यान रखते हैं उसका। सच में जीजी, काश मैं भी इस मॉडर्न जमाने में पैदा हुई होती ना। मेरा मतलब सुशीला और उसकी सास में ना बहुत जमने वाली है सच में। दोनों के एक होते पैसा की बोलती बंद होने वाली है, है जीजी? तेरे मुंह में रेवड़ी। बस माता रानी करे कि ऐसा ही हो। सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बिचारा, डला मट्टी वाला कुले दीदी भी आई, शेर शक्कर पाई, मामा चोरी कुट्टी। अरे किस बात का वेट कर रहे, चलो चलो लोड़ी जलाते हैं। पुत्तू वो गुन्नू को फोन लगा और पूछ और कितना टाइम लगेगा। पापा मैं वो तिल भूल गई हूँ, तिल लेकर आती हूँ। जल्दी आ। हेलो हेलो गुन्नू ब्रो, वेयर आर यू, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। अरे वो पंडित जी के चक्कर में फंसा हुआ हूँ यार। मैं कह रहा हूँ लोहड़ी जलाओ, पूजा शुरू करो, हर पल भगवान का बनाया हुआ होता है, पर यहाँ के पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं, पूजा की एक मर्यादा होती है, एक मुहूर्त होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग शुरू करो, मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। ओके ओके। अरे गुन्नू तू पहले मने बातों में घुमा के अपने दोस्त के यहाँ चला गया, चल वीडियो कॉल पर आ जा, फेस टू फेस बात करते हैं, और वो पंडित जी से भी बात करा दे, आखिर मैं भी तो जानू मुहूर्त का टाइम कब है। पुत्तू वीडियो कॉल पर ले गुन्नू को। वीडियो कॉल हेलो
हेलो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही हेलो सिग्नल प्रॉब्लम दिखे ताऊ जी डर गया मेरे से दोबारा फोन लगा बोलना जल्दी आए सुई जाओ ताऊ जी सुई जाओ वो पुराना फोन यूज करता है ना भाई तो ऐसे ही थोड़ी देर में मर जाता है हाय हाय कितना चंट है उस सत्तू बात तो मैं कैसा भाई के लिए फोन की डिमांड रखती हैं पर धर्मपाल भाई साहब का दिल तो अपने दामाद के लिए पहले से ही मोह रखा है अभी खरीद के उसके हाथ में धर देंगे अरे क्या कर रहे हो आप लोग चलो चलो लोड़ी जलाते हाँ हाँ भाई धर्मपाल चल शुरू करते हैं सुंदर मंदिर ये तेरा कौन बेचारा दूल्हा भाटियाला दूल्हे ने दी विआई शेर चक्कर पाई कुड़ी दा लाल पड़का कुड़ी दा चालू पता कुड़ी दी मामरसी चाचा गाली देसी चाचे चूरी कुटी जमेदारा लुटी हैप्पी लोहड़ी हमारे परिवार पर अपनी छाया बनाए रखना माता रानी मेरा हाथ जल्दी से मजबूत कर दे माता रानी ताकि मैं फिर से अपनी परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकूं अपनी बेटियों को धूमधाम से विदा कर सकूं इस बार तो प्रमोशन करवा दे माता रानी भाई साहब की नजरों में उठना चाहता हूं मैं पुत्तू भी अपने बाप पे प्राउड फील करे चंचल तो चंचल है आपको पता ही है पर वो भी कम से कम थोड़े चौड़ी हो गए उनमें हे माता रानी इन्हें सद्बुद्धि दे अपने भाई साहब के सामने ना थर थर पत्ते की तरह ना कांपे तन के खड़े हो और मेरा कमरा भी तो बचाना है अपने है ना माता रानी गुन्नू सत्तू से आपकी हेल्प से गोर पुत्तू ने 2000 फॉलोवर तो क्रॉस कर लिए है नेक्स्ट टारगेट 10,000 का है आई नो थोड़ा ज्यादा है पर आप तो गोड हो ना कर ही सकते हो बाई गोड मैं तो आज डायरेक्ट अपने लिए मांगने वाली हूँ माता रानी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मुंबई जाने की टिकट दिलवा दो बस हुड्डा के मुंह से खिलवा दो यही थी जिसका मुझे इंतजार था बस इतनी छोटी सी चीज मांगनी थी माता रानी दो चीज की एप्लीकेशन डाल रही हूँ माता रानी एक तो काटेलाल एंड सन्स को बचाए रखना है और दूसरा विक्रम के दिल में जगह बनानी है अपने लिए उसको भी तो मुझे देखकर वैसा फील हो जैसा मुझे होता है उसको देखकर रिलेशनशिप स्टेटस टेकन था तो कहना चाहिए था ना सुशीला जी जब मैंने प्रपोज किया था तब तो आप पापा और फैमिली का ज्ञान दे रही थी हाँ चलो मानता हूं कि मैंने मजाक में किया था पर आपको तो बताना चाहिए था क्लैरिटी तो रखनी चाहिए थी ना यार तुझे क्यों बुरा लग रहा है भाई प्रमोद अब सुशीला जी को कोई अच्छा लगता है तो लगता है उन्होंने तुझे कोई कमिटमेंट दिया था कोई प्रॉमिस किया था क्या बेकार में सेंटी हो रहा है यार तू तो वैसे भी लंदन जाने वाला है ना या राइट तुझे लड़का है कौन तू तुझे क्या करना है कोई भी लड़का हो How is it possible? कि सुशीला जी के मन में मेरे लिए कोई इमोशन ही नहीं आओ भाई आओ आओ बहुत बहुत मुबारक लोहड़ी की धर्मपाल लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई है धर्मपाल मुबारक हो लोहड़ी जल्दी आओ बैठ जाओ हाँ भाई रखे बात है धर्मपाल छोरिया दिख नहीं रही थारी कित गई गरिमा तो यही थी किसी काम के लिए गई होगी
और सुशीला डॉक्टर साहब के साथ गई। ना वो क्यों कर भाई, सब खैरियत तो है। अरे ना, ऐसी बात ना है, डॉक्टर साहब इस घर के दामाद बनने वाले हैं। अरे इसीलिए तो सुशीला और गुंडू की शादी कैंसिल करनी पड़ी। ओ तो यो ये बात थी फुर्सत में बताने वाली। बिल्कुल सही, सोने जैसा दामाद हाथ लग गया। चलो अब दोनों छोरियां तो सेट हैं। यो सब तो नजरों का धोखा है मेरे यार, बस एक बार अच्छे से मीटिंग सेट हो जाए हुड्डा के साथ, फिर तो सुशीला ने ऐसे टेक ऑफ लेना है कि सीधा मुंबई जाके रुकेगी सुशीला। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।